हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्ट्रेस। तो सर, स्ट्रेस पेपर टू और पेपर थ्री दोनों में पढ़ना है। पेपर थ्री में बिहेवियर में इस मीटिंग लाइफ चैलेंजेस नाम से है, और पेपर टू में एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में साइको स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसको पढ़ना है। दोस्तों, मैं अपने लेक्चर्स में ये दोनों एस्पेक्ट कवर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अपने इस वीडियो की लेक्चर के पार्ट फर्स्ट में आज हम बात करेंगे इस कंसेप्चुअली स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस का नेचर क्या है, स्ट्रेस के सोर्सेस क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। इन सब बातों पर आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले संबंधित प्रयास करते हैं कि स्ट्रेस कंसेप्चुअली कहते किसको है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रेसर्स प्लस स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस। सो स्ट्रेसर का मतलब होता है कि स्ट्रेस देने वाला, जैसे लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर, ऐसे ही स्ट्रेस देने वाला स्ट्रेसर। दोस्तों, इस वक्त हमारे जयपुर में है ना, एक तो मेट्रो का काम चल रहा है, दिवाली आ चुकी है, टूरिस्ट सीजन सीजन भी आने वाला है, और लगातार जो हमारा परकोटा है जयपुर का, उसमें ट्रैफिक जैम की समस्या अब बनती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मान लीजिए मैं कार लेके निकला जयपुर परकोटे में, और मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया। अब मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया तो जो ट्रैफिक जैम है ना, वो मेरे लिए स्ट्रेसर है, ये मेरे लिए स्ट्रेस, ये मुझे स्ट्रेस देगा, राइट। अब उस ये तो हो गया स्ट्रेसर। अब इस ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि मेरा ब्रीथिंग पैटर्न बदल जाएगा, मैं बेचैनी महसूस करूंगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, राइट। अब मेरी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेन। तो अब स्ट्रेसर और स्ट्रेन मिलकर के मुझे क्या देंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस किस रूप में आएगा, तो मान लीजिए मेरी कार की बगल सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है और उसने कोई बात कही, अचानक से मैं इरिटेट हो गया, मैंने उस पर गुस्सा कर दिया, बस्ट हो गया मैं, या पीछे कोई को कार वाला है, वो जबरदस्ती अनावश्यक हॉर्न पे हॉर्न दिया जा रहा है, मैं अपनी कार से निकला और मैंने उसके ऊपर अब्यूजिव लैंग्वेज की बरसात अब्यूजिव वर्ड्स की बरसात कर दी। सो दिस इज स्ट्रेस। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेसर्स और स्ट्रेन के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होने वाला ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी में फिजियो साइकोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस मतलब आपकी हार्ट बीट का बढ़ना, ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आना, राइट, आपको स्वेटिंग होना, साइकोलॉजिकल मतलब आपको इरिटेशन आना, आप अब्यूजिव वर्ड्स का यूज करना, ठीक है, और पैथोलॉजिकल मान लीजिए दोस्तों यही ट्रैफिक जैम में लगातार हर दिन फंसता आ रहा हूँ, बहुत लंबे समय से ट्रैफिक जैम में फंसता चला जाऊंगा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं हाइपरटेंशन का पेशेंट बन जाऊंगा, या किसी मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट बन जाऊंगा, मतलब मेरी बॉडी में पैथोजेनेसिस हो गया, पैथोलॉजीज हो चुकी है, अब मैं बीमार रोगग्रस्त होता चला जा रहा हूँ। तो स्ट्रेस की तीन प्रॉपर्टीज हो गई, फिजियो, तीन तरह के चेंजेस दिखाएगा आपकी बॉडी में, फिजियो साइकोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रेसर्स एंड स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस। अब बात करते हैं इसके नेचर की, इसकी प्रकृति की। दोस्तों, तो देखिए जिस तरह हम डॉक्टर्स का नेचर होता है मानवता की सेवा होता है, भाई सबका होता है, सारे ग्रेफ्टेड नहीं होते हैं, मैं ग्रेफ्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी तो कहा है ना कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो यही कारण है दोस्तों जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसे 2 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था, उसका दूसरा नाम नर नारायण सेवा योजना भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो आइए इसके नेचर की हम बात करते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, इसके नेचर को समझाने के लिए साइकोलॉजिस्ट के दो ग्रुप बटे हुए थे। एक ग्रुप था साइकोलॉजिस्ट का, वो ये कहता था कि जो नेचर जो स्ट्रेस है ना, वो जनरलाइज्ड होता है। जनरलाइज मतलब कि जिस चीज से मुझे स्ट्रेस होगा उसी चीज से आपको भी स्ट्रेस होगा, और जो पैटर्न मैं स्ट्रेस को दिखाने के लिए फॉलो करूंगा वही पैटर्न आपका भी होगा, या वही जो चेंजेस मुझे में आएंगे वही चेंजेस आपके अंदर भी आएंगे। लेकिन बाद में कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता भाई, स्ट्रेस जनरलाइज नहीं होता, ये स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्टिव होता है। स्पेसिफिक और सब्जेक्टिव का मतलब ये है दोस्तों कि ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की जो जिस पर स्ट्रेस आया उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, राइट, उसके अंदर ये सब बातें उसके लिए बहुत मैटर करती है, या उसको कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी है क्या। देखिए अगर ये सब बातें पॉजिटिव सेंस में मौजूद है ना, तो जो स्ट्रेस हो सकता है दूसरे के लिए परेशानी का सबब हो, वही मेरे मेरे लाइफ के लिए चैलेंज, मैं उसको ऐसे चैलेंज ले लूँ, उसको मैं पॉजिटिव एनर्जी के रूप में उसको मैं एक्सेप्ट करूँ, ऐसे चैलेंज मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, तो दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर। जैसे कि 2011 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल का एग्जाम्पल देता हूँ,
सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग लगातार जल्दी आउट हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस की सिचुएशन है। भारत हो सकता है मैच भी हार जाए, लेकिन धोनी देखिए खुद को प्रमोट करता है, उस सिचुएशन को स्ट्रेस की तरह नहीं लेता है, एज चैलेंज लेता है, खुद को प्रमोट करता है बैटिंग ऑर्डर में और आके इंडिया को वर्ल्ड कप जिता जिता वर्ल्ड कप जिता के जाता है। तो बेसिकली जो स्ट्रेस है वो स्पेसिफिक है और सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको एज ए चैलेंज ले रहे हैं या एज ए स्ट्रेस ले रहे हैं, या आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब बातों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसका नेचर है डायनेमिक मेंटल स्टेट। तो उसमें डायनेमिक मेंटल स्टेट इसलिए होती है कि मान लीजिए मुझे स्ट्रेस हुआ, मेरी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, जो होम्योस्टेसिस है, वो बदल गया, ठीक है, अब मेरी बॉडी डिमांड कर रही है कि भैया कुछ ऐसा कर कि तेरी बॉडी जो है वापस वापस अपने इक्विलिब्रियम में आ जाए, अपने होम्योस्टेसिस में आ जाए, वापस नॉर्मल फंक्शन में रिस्टोर हो जाए, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा, मेरी बॉडी ना कुछ ऐसे रेस्पॉन्स देगी, कुछ ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में अपनाऊंगा तो उससे वापस मैं अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाऊंगा, नॉर्मल मेंटल स्टेट में आ जाऊंगा। दैट्स वाई स्ट्रेस इज डायनेमिक मेंटल स्टेट। नेक्स्ट है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट। दोस्तों स्ट्रेस जो होता है किसी व्यक्ति के अंदर या किसी एनवायरमेंट में नहीं होता है, ठीक है, ये कब पैदा होता है, जब आप इंडिविजुअल और एनवायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है तब ये स्ट्रेस पैदा होता है। देखिए स्ट्रेस मुझ में नहीं था, लेकिन जब मेरा सामना उस ट्रैफिक जैम वाले एनवायरमेंट से हुआ तब मेरे अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। सो दिस इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज स्पेसिफिक, सब्जेक्टिव, डायनेमिक मेंटल स्टेट एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट। दिस इज नेचर। ये चार पॉइंट्स हैं जिनको आप एलोबेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कंसाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेस की, कि आखिर ये स्ट्रेस के सोर्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सोर्स है इसका दोस्तों मेजर लाइफ इफेक्ट्स। दोस्तों हमारी लाइफ में कभी कभी सडन ऐसे चेंजेस आते हैं, ऐसे मेजर चेंज आते हैं जो हमको हिला कर रख देते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता, कई बार बिल्कुल हमारे परिवार में अपने हमारे जो बिलव लोग हैं उनकी किसी की डेथ हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। नेक्स्ट या हो सकता है कि आप सर्विस कर रहे हैं, अचानक से आपका ट्रांसफर ऐसी जगह पे हो चुका है जहाँ पे आप जाना पसंद नहीं करते हैं तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा, सडन चेंजेस, या आपका जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया अचानक से तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो दिस इज मेजर लाइफ इवेंट्स जो आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, सोर्स है आपके स्ट्रेस के। नेक्स्ट है हैसल्स। तो उसमें हैसल्स मतलब होता है कि आप डे टू डे लाइफ में जो आप जो अपना काम करते हैं उसके काम की वजह से जो आपको परेशानी पैदा होती है वो हैसल्स होते हैं, जैसे आप किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाना, ठीक है, बिजली की शॉर्टेज होना, पानी वाटर सप्लाई पर ऊपर नहीं आना, या जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस में जो भी आप समस्या होती है डे टू डे बेसिस पे उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आना। दोस्तों यकीन मानिए कई बार मुझे ऐसे ऐसे पेशेंट का सामना करना पड़ता है कई बार हमें, जो हमारे पेशेंस के लेवल को टच करते हैं, हमारे धैर्य की जो चरम सीमा होती है ना उसको छू जाते हैं बिल्कुल, और मन करता है कि बस हो जाऊं मैं, लेकिन बस एथिक्स जो होते हैं ना वो हमें रोक लेते हैं, ठीक है, वरना पेशेंस को तो खत्म कर चुके होते हैं वो, बिल्कुल पेशेंस छू लेते हैं हमारा। तो ये इसे कहते हैं हैसस। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक ट्रॉमेटिक इवेंट्स। दोस्तों बहुत से ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि अभी देखिए हाल ही में अमृतसर में कितना बड़ा कांड हुआ है, ये रेल के दुर्घट रेल जो रेल में दुर्घटना हुई है, अब उसके जो पीड़ित हैं, जो मृतक के परिवार वाले हैं, क्या इस ट्रॉमेटिक इवेंट्स को भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, जब भी उनको याद आएगा तो स्ट्रेस स्ट्रेस होगा उनको, अभी भी वो स्ट्रेस में ही जी रहे हैं। 13 मई 2008 को जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, देखिए जो उसके विक्टिम है दोस्तों वो, हाँ, जो मेरे कुछ दोस्त हैं उसके विक्टिम है, वो जब भी उस घटना को याद करते हैं उनकी आज भी उनकी रूह कांप जाती है, ठीक है। और तो ये होता है स्ट्रेस जिसका संबंध आपके किसी ट्रोमेटिक इवेंट से जुड़ा है, या फिर मान लीजिए आप किसी बाढ़ग्रस्त इलाके से पीड़ित होकर आ रहे हैं, भूकंप से पीड़ित होकर आ रहे हैं, तो दीज आर ट्रोमेटिक इवेंट्स जो आपके लिए स्ट्रेस का सोर्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें यू स्ट्रेस वर्सेस डिस स्ट्रेस। दोस्तों यू स्ट्रेस का मतलब होता है अच्छा वाला स्ट्रेस। दोस्तों देखिए 23-24 दिसंबर को आरएस मेंस का एग्जाम है, थोड़ी बहुत तो फिक्र होनी बनती है, अगर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे, बेफिक्रे होके घूमेंगे ना तो आपसे बड़ा मूर्ख कुछ नहीं हो, कोई नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना अच्छी बात है, और ये वो स्ट्रेस है जो हमारी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के दायरे में होता है, राइट, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, और ये लाइफ में हमें आगे बढ़ाता है, हमें अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करना सिखाता है, ठीक है, हमारे से कहते हैं ना अपने अपने कीप कीप यू ऑन योर टोज, आपको अपने टोज पे खड़ा रखता है,
नेक्स्ट है डिस स्ट्रेस, जस्ट इसका अपोजिट। ये स्ट्रेस अगर आपको होगा तो ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, ये आपकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाएगा, आपकी बॉडी पर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सब होना आपको शुरू हो जाएंगी, आपकी जो हेल्थ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। दिस इज डिस स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस की। दोस्तों फिजिकल स्ट्रेस दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो इम्बेलेंस्ड है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स बिल्कुल इम्बेलेंस मात्रा में है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगी, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ वीक होगी और आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। दोस्तों एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, दोस्तों मान लीजिए किसान है, बहुत ठंड पड़ रही है तो उसको डर लग जाएगा कहीं पाला ना पड़ जाए, मेरी फसल बर्बाद ना हो जाए, या बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई, अतिवृष्टि हो गई, तो भी उसको डर लग जाएगा मेरी फसल बर्बाद ना हो जाए, भूकंप आ गया, कुछ भी घटना, त्रासदी, नेचुरल डिजास्टर, कुछ भी त्रासदी घट गई, तो ये सब क्या है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो एनवायरमेंट से आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है, इसका संबंध हमारी साइकिक से होता है, ये हमारे हमारे ब्रेन, हमारे माइंड में ही ये प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोड्यूस किस रूप में होता है, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट एंड इंटरनल प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए देखिए भी मैं इस रूम में भी वीडियो लेक्चर अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे पड़ोसी को पता चल गया कि ये वीडियो बनाता है रात को, अब मुझे इसको परेशान करना है, अभी क्या करेगा मेरा पड़ोसी, रात को रोज जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम बजाएगा, अब मुझे डिस्टर्बेंस होगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन में, अब देखिए लगातार एक रात ठीक है, दो रात ठीक है, लगातार ये आदत बना लेगा तो मुझे अब फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्यों, क्योंकि ये मुझे मेरे मोटिव तक नहीं पहुंचने दे रहा। ठीक है, ऐसे दोस्तों लाइफ में आपने कोई गोल सेट किया है, उस गोल तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, एक कुंठा आपके अंदर आएगी, जैसे कि बार बार परीक्षा हाई कोर्ट में चली जाती है तो फ्रस्ट्रेशन आती ही है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद पैदा होना। देखिए द्वंद कैसे पैदा होता है, अभी आप में से ऑब्वियसली कुछ लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, और अभी दिसंबर में इलेक्शन है, आपकी इलेक्शन में ड्यूटी आएगी, उस ड्यूटी को आप कैंसिल नहीं करवा सकते, आपको उसके लिए सॉलिड, बहुत सॉलिड रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि ये असेंशियल सेवाएं है ना, जनगणना, चुनाव में ड्यूटी आना, या आपको एज ए फंडामेंटल राइट आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए फिर दिसंबर में एग्जाम भी लिखना है, अब आप सोचेंगे यार मैं चुनाव में ड्यूटी दूं कि एग्जाम लिखूं, मैं करूं क्या, आपके दिमाग क्या आ गया, आपके दिल में द्वंद पैदा हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से क्या आएगा, आपको स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट दोस्तों इंटरनल प्रेशर। दोस्तों इंटरनल प्रेशर कब आता है, जब हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं अपने लाइफ में, जब वो नहीं मिलता है ना तो वो हमको फिर हमको स्ट्रेस देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है। दोस्तों इन दिनों अखबारों में मैं कोचिंगों के बड़े अच्छे ऐसे लुभावने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण विज्ञापन देख रहा हूँ, कोई कहता है कि हिंदी इंग्लिश में आइए 150+ मार्क्स हम आपको दिलाएंगे, बेचारा जो व्यक्ति खुद पढ़ाई कर रहा होगा तो यही सोचेगा कि यार मैं कोचिंग नहीं जा रहा, मतलब सारे 150+ मार्क्स ही आएंगे, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे, अब देखिए वो बेचारा इंटरनल प्रेशर में आ गया, क्यों, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक ओवर एक्सपेक्टेशन आपको दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, दिस इज इंटरनल प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल स्ट्रेस की। दोस्तों सोशल स्ट्रेस कैसे आता है हमको, दोस्तों आज हम लोगों में ना सोशल इंटेलिजेंस की कमी हो चुकी है, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब लोगों ने एक दूसरे पे कीचड़ उछाले हैं, जाति धर्म के नाम पे, SC ST एक्ट के नाम पे, जिसको देखो वही इंटेलेक्चुअल होता चला जा रहा है, और ये सोशल स्ट्रेस, ठीक है, जब आप ये सोशल मीडिया से या अपनी जो लैक ऑफ सोशल इंटेलिजेंस आप लेते हैं, आपके दिमाग में जब घुसता है तो एक सोशल डिसहारमोनी पैदा हो रही है, आज जिसको देखो वही एक दूसरे पर जातिगत कमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ चली गई हमारी बुद्धि, क्यों, क्योंकि हम लोग सोशल स्ट्रेस में आ चुके हैं ना। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देता हूँ, कोटा में जो IIT और मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं दोस्तों, बेचारे उन लोगों पे भी बहुत सोशल स्ट्रेस होता है, कैसे, अगर हम सफल नहीं हुए तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, दोस्तों दुनिया कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, आज हम इस लोग से इससे पीड़ित हैं, समाज क्या कहेगा, अरे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो समाज क्या बोलेगा, समाज तो बोलता रहेगा दोस्तों, बदमस्त हाथी बनिए, कुत्ते भौंकते रहेंगे, बदमस्त हाथी की तरह चलते रहिए, ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो ये सोशल स्ट्रेस आप पे कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम एंड इफेक्ट्स की। सिम्टम और इफेक्ट्स जो है लगभग दोनों सेम ही है, जो इफेक्ट है वही सिम्टम्स के रूप में आते हैं। सिम्टम्स और इफेक्ट, सिम्टम मतलब आप कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है नहीं, और उसकी वजह से उसकी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, उसको वो हमें इसमें समझना है। तो देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसके इमोशनल इफेक्ट्स की।
दोस्तों अगर आप स्ट्रेस हैं तो आप में इमोशनल इफेक्ट कैसे आएंगे, आप में मूड स्विंग्स होंगे। पल में तो आप खुश हो जाएंगे, पल में आप दुखी हो जाएंगे। अपने सगे संबंधियों और दोस्तों पर आपका चिड़चिड़ापन आएगा, आप इरिटेटिंग आपका बिहेवियर होगा, राइट। आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको आपको अकेला रहना अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप कभी रोओगे, कभी चीखोगे, अकेले एकांकीपन में जाओगे। तो ये सब क्या है आपके अंदर, इमोशनल इफेक्ट। नेक्स्ट है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। दोस्तों फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि देखिए, हमारी जब हम किसी स्ट्रेस सिचुएशन में आते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे एडिनलिन, नोर एडिनलिन, कोर्टिसोल, ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ये लाइफ सेविंग हार्मोन होते हैं, हमें फ्लाइट और फाइट और फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के लिए रेडी करते हैं। देखिए एक सीमा तक तो ये अच्छी बात है कि हमें प्रिपेयर रखते हैं, हमें स्ट्रेस से हमें बचा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बियॉन्ड कैपेसिटी स्ट्रेस चला जाता है तो ये हार्मोन भी हमें कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर लगातार ऐसा होने से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हम हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं, हम बीपी के पेशेंट हो जाएंगे, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है, आपको हेडेक हो सकता है। ये सब आपकी फिजियो आपकी बॉडी में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव इफेक्ट। कॉग्निटिव इफेक्ट क्या होता है, इसका संबंध दोस्तों हमारे ब्रेन से है, हमारी आईक्यू से है। ब्रेन आईक्यू से कैसे, अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपके मेमोरी लॉस होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, ठीक है। आपको आप अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो इतना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट किस पर आ गया, आपके कॉग्निटिव इफेक्ट पे। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियरल इफेक्ट क्या होता है, दोस्तों बिहेवियरल इफेक्ट ये होता है कि जो व्यक्ति स्ट्रेस में होता है ना, आप उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखेंगे। कैसे, जो व्यक्ति अच्छा फूड खा रहा होता है वो व्यक्ति अब जंक फूड खाने लग जाएगा, नॉन न्यूट्रिशनल फूड खाएगा, जैसे कि हाई कैलोरिक डाइट वो लेगा, यू नो पिज्जा बर्गर जिसे कहते जिसमें हाई कैलोरीज होती है, ऐसा फूड वो खाने लग जाएगा। अगर आप सिगरेट या अल्कोहल के अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी सिगरेट और अल्कोहल लेने की। हो सकता है आप नार्कोटिक्स भी लेने लगे, नार्कोटिक ड्रग लेने लगे, आप अफीम, गांजा, चरस, यू नो ये आप पीने लगे, आप बहुत ज़्यादा कैफीन चाय आप पीने लगे, तो इससे जिससे क्या होगा, आपकी जो जो पूरा बिहेवियर है वो पूरा बदल जाएगा, और आपका जो भी आप कहीं भी वापस जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाएंगे। दोस्तों ये जो जो मैंने आपको बताया अभी, अफीम, चरस, गांजा, एल्कोहल, यू नो टोबैको एंड ऑल, इस सब को कहते हैं इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स आपको पेपर 2 में साइंस टेक में पढ़ना है। इंटॉक्सिकेंट्स में आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, एल्कोहल, एल्कोहल, टेबाकू, चरस, गांजा, अफीम, जो नार्कोटिक ड्रग्स जो लोग खाते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें पढ़ने होंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच, ये रहा स्ट्रेस का मेरा वीडियो पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा आपसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। टिल देन गुड गुड बाय एंड गुड नाइट।